आपने कई बार कोई स्लो मोशन वीडियो जरूर देखा होगा या फिर आप कभी ये सोचते होंगे कि आखिर ये स्लो मोशन वीडियो बनते कैसे हैं, या फिर आपने कभी ये भी सुना होगा कि स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हाई फ्रेम रेट के कैमरे काम में लिए जाते हैं जिसमें कम से कम 1000 फ्रेम प्रति सेकेंड रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी हो। तो आखिर ये फ्रेम इतनी ज़्यादा जरूरी क्यों है एक स्लो मोशन वीडियोज के लिए, और आखिर एक स्लो मोशन वीडियो होता क्या है। अगर आप इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है निशांत चौधरी और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम सबसे पहले बात करें कि एक स्लो मोशन वीडियो आखिर होता क्या है, देखिए जो स्लो मोशन वीडियो है उसका मतलब एक जो नॉर्मल वीडियो है, मान लीजिए आपके पास कोई एक मिनट की क्लिप है, अगर आप उसे स्लो मोशन कहते हैं यानी कि उसकी स्पीड आधी करते हैं तो वो वीडियो हो जाएगा 2 मिनट का। उसके अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही है उसकी स्पीड हो जाएगी आधी, यानी कि मान लीजिए मैं जो हाथ हिला रहा हूँ अगर मैं इसे स्लो मोशन करता हूँ तो इसकी स्पीड सारी हाफ हो जाएगी और जो वीडियो है वो एक स्लो मोशन वीडियो बन जाएगा। तो आखिर बात करते हैं स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए इतनी ज़्यादा फ्रेम की क्यों जरूरत होती है। मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है तो 30 FPS है, आप उसे स्लो मोशन करते हैं यानी उसकी स्पीड आधी करते हैं तो वीडियो अगर 1 मिनट का है तो वो वीडियो हो जाएगा 2 मिनट का, उसकी फ्रेम रेट 30 थी वो हो जाएगी 25 या फिर उससे 15 FPS हो जाएगी अगर आप उसे ज़्यादा स्लो मोशन करते हैं तो। मान लीजिए जो 15 FPS का वीडियो है वो अगर आपके जब आप 30 FPS का वीडियो देख रहे हैं उसी के बीच में अगर 15 FPS का वीडियो आता है तो आपको वहाँ पर काफ़ी लेग फील होगा, यानी वो वीडियो जिसमें भी जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो सारे रुक रुक कर होंगे, आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गिल्स है, ये वीडियो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मान लीजिए अगर आपके पास कोई 30 FPS का वीडियो है अगर आप उसमें स्लो मोशन जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 60 FPS का कैमरा चाहिए होगा, क्योंकि आप उसमें अगर 60 FPS रिकॉर्ड करते हैं तो अगर आप उसके FPS कम करते हैं तो 30 FPS हो जाएगा, यानी दोनों वीडियो आपको स्मूथ दिखेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 60 FPS की 120 FPS की वीडियो के लिए तो अगर आप उसमें स्लो मोशन काम में लेना चाहते हैं तो आपको उसकी ज़्यादा हाई FPS रिकॉर्ड करने वाला कैमरा चाहिए होगा। तो बात करते हैं कि स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए इतनी ज़्यादा FPS की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपके पास कोई क्लिप है अगर आप उसमें ज़्यादा स्लो मोशन करते हैं तो उस क्लिप में आपको बार बार में लेग दिखाई देगा, यानी कई सारे मूवमेंट होंगे जिसमें अगर आप कोई ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है तो वहाँ पर उसके FPS और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और अब मैं बात करूँगा अगर सैमसंग की, सैमसंग का नहीं अपना जो नया डिवाइस है उसके अंदर आपको स्लो मोशन इफेक्ट मिलते हैं, यानी कि अगर उस स्मार्टफोन की बात करें उसमें आपको 900 फ्रेम प्रति सेकंड रिकॉर्ड करने के ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम बात करें और ज़्यादा स्लो मोशन यानी अगर आप किसी बुलेट को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन कैमरे चाहिए होंगे जो कम से कम 2000 FPS या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर के हों, क्योंकि एक बुलेट की स्पीड ज़्यादा तेज होती है इसलिए उसे रिकॉर्ड करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेम रेट के कैमरे चाहिए होंगे ताकि आप उसे आसानी से कैप्चर कर सकें। अब मैं बताता हूँ कि नॉर्मल वीडियो में होती है 30 FPS और जो एक 60 FPS के वीडियो में होती है उसके अंदर होती है 60 FPS, यानी एक कई सारे फोटोज को मिलाकर एक वीडियो बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 30 FPS का वीडियो है उसके अंदर 30 फोटो खींची गई है, उन सभी को 1 सेकंड में लगाई जाती है, उन्हें एक साथ मूव किया जाता है, पूरी 30 फोटो एक साथ मूव करते हैं तो उसके वो आपको लगता है कि एक वीडियो जो प्ले हो रहा है उसके बैकग्राउंड में ऑडियो लगा दी जाती है जिससे आपको सेम वीडियो की फीलिंग होती है, मगर असल में वो जो एक सेकंड की क्लिप है उसके पीछे आपको 30 FPS का वीडियो है तो उसमें आपको पीछे 30 फोटो मूव होती है, अगर 60 FPS का है तो उसके पीछे 60 फोटो मूव होती है और आपको लगता है कि ये वीडियो है। अगर 60 FPS वीडियो की बात करें तो वो काफ़ी स्मूथ होगा, अगर 30 FPS के मुकाबले जो 120 FPS है उस वो वीडियो काफ़ी स्मूथ होगा। मगर बात करें स्क्रीन की यानी कि क्या आप अपनी स्क्रीन में 60 FPS का वीडियो प्ले कर सकते हैं, मैं बता दूँ आप एक नॉर्मल स्क्रीन में 60 FPS या 120 FPS का वीडियो प्ले कर सकते हैं मगर उसमें आपको FPS उतने ही मिलेंगे जितनी आपकी स्क्रीन सपोर्ट कर सकती है। ये होते हैं FPS और स्लो मोशन। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि एक स्लो मोशन वीडियो क्या होता है और एक स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए इतनी ज़्यादा FPS की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।